आगे निकलकर आपको पैंडाल प्रोसेस से बता रहे हैं। पैंडाल प्रोसेस या जेंडाल प्रोसेस कहते हैं इसको। इसमें दिया गया है 0.7 ग्राम कार्बनिक यौगिक का जेंडाल विधि द्वारा विश्लेषण किया गया है। उत्पन्न अमोनिया को 70 ml Ni2H2SO4 में शोषित किया गया। प्राप्त विलयन में जल मिलाकर आयतन 500 ml कर दिया गया। इस विलयन के 25 ml को पूर्णतः उदासीन करने के लिए Ni10 NaOH के 12.5 ml लगे। यौगिक में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा की गणना कीजिए। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक चार्ट बना लेते हैं। यहाँ लिखेंगे कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक कितना दिया है 0.7 ग्राम, किस प्रोसेस से है, पैंडाल या जेंडाल विधि से अमोनिया निकल रही है। इस अमोनिया को शोषित करने के लिए या उदासीन करने के लिए 70 ml Ni2H2SO4 की आवश्यकता होगी। उदासीन नहीं हुआ तो उसमें जल मिला लिया गया 500 ml, 500 ml जल मिला लिया गया, विलयन बन गया। इस विलयन को उदासीन करने के लिए 25 ml 12.5 ml N/10 NaOH की आवश्यकता हो। इस तरह से हमने चार्ट बना लिया। अब यहीं से इस चार्ट में नीचे से सॉल्व करना शुरू करते हैं। लिखेंगे 12.5 ml N/10 NaOH बराबर 10 का इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 1.25 ml NaOH। यह चूंकि 25 ml इसको मैंने सॉल्व कर लिया, 25 ml विलयन उदासीन करना है। लिखेंगे चूंकि 25 ml विलयन उदासीन होता है बराबर इतने से 1.25 ml NaOH, इसलिए 1 ml विलयन उदासीन होगा बराबर ये भाग में चला जाए एन NaOH अपॉन कितना है 25, इसलिए हमारे पास टोटल कितना है 5 ml, 5 ml लिखेंगे विदा 3 होगा 1.25 × 5 500 को काट देंगे 20 आ जाए, 20 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो बराबर 0 × 5 = 10 हुआ, 2 × 4 = 5 हुआ और 25 से लगा के एन इतना। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये दिया आया था 70 ml N/2 बराबर ये आएगा 35 ml N/2SO4। अब ये चूंकि क्षार है और ये क्या है अम्ल है, ये क्षार है अम्ल है, ये न्यूट्रलाइज हो जाए, जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो 25 से 35 चले जाएंगे तो घट जाए कितना आ जाएगा 10 ml N/2SO4 ये बचेगा शेष, यही अमोनिया द्वारा उदासीन करेगा इसको। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बराबर 14/10 गुणा NH3 को उदासीन
करने के लिए NH2SO4 का आयतन बटे पदार्थ का भार, पदार्थ का सूत्र लगा दिया है तो 14/10 गुणा अमोनिया को उदासीन करने के लिए NH2SO4 का आयतन कितना है 10 ml है बटे पदार्थ का भार कितना दिया है 0.6 पॉइंट हटाओगे 100 हो जाएगा 100 हो जाएगा 14 × 100 बटे 10 0 कट गया 7 × 14 2 आ गया 10 × 10 = 20 20% आंसर आया। सवाल समझ में आ गया, नेक्स्ट टाइप का सवाल बताएं।